हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी आईक्यू आईएएस हिंदी। नमस्कार, क्विक न्यूज़ प्रोग्राम में आपका स्वागत है। टॉपिक है, भारत ने 2024 तक नए वैश्विक जलवायु वित्त लक्ष्य पर जोर दिया। भारत सहित विकासशील देश अमीर देशों को एक नए वैश्विक जलवायु वित्त लक्ष्य पर सहमत होने के लिए दबाव बना रहे हैं, जिसे जलवायु वित्त पर नए सामूहिक मात्रात्मक लक्ष्य यानी NCQG कहा जा रहा है। NCQG पर एक उच्च स्तरीय मंत्री स्तरीय संवाद में भारत ने इस बात पर प्रकाश डाला कि NDC लक्ष्यों को पूरा करने के लिए विकसित देशों से वित्तीय, तकनीकी और क्षमता निर्माण समर्थन की जरूरत है। विकासशील देशों द्वारा निर्धारित महत्वाकांक्षी लक्ष्य के लिए प्रतिवर्ष 100 अरब डॉलर के स्तर से जलवायु वित्त में पर्याप्त वृद्धि की आवश्यकता है। इसके अलावा भारत ने यह भी कहा कि संसाधनों की गतिशीलता विकसित देशों के नेतृत्व में होनी चाहिए और यह दीर्घकालिक, रियायती और जलवायु केंद्रित हो। आपको बता दें कि 2009 में विकसित देशों द्वारा 100 अरब डॉलर की प्रतिबद्धता के लिए सहमति जताई गई थी, लेकिन अभी तक यह हासिल नहीं हो सकी है। वित्त पर स्थायी समिति ने अनुमान लगाया है कि विकासशील देशों द्वारा अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान यानी NDC, जिसे हम लोग नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन कहते हैं, इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए 2030 तक 6 ट्रिलियन डॉलर से 11 ट्रिलियन डॉलर की जरूरत है। NDC वैश्विक तापमान वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे अधिमानतः 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने की राष्ट्रीय योजना है। इसलिए COP 27 में विकसित देशों से विकासशील देशों को अपनी जलवायु योजनाओं को और तेज करने के लिए प्रेरित करने की उम्मीद है। भारत ने जोर देकर कहा कि यह जरूरी है कि तकनीकी विशेषज्ञ संवाद संसाधन जुटाने की मात्रा और गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित करें। अतः 2024 से पहले जलवायु वित्त अनुदान को सक्षम करने के लिए एक अधिक संरचित और लक्षित दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है। इसके अलावा भारत जलवायु वित्त की परिभाषा पर भी स्पष्टता चाहता है, जिसके अभाव में विकसित देशों को अपने वित्त को ग्रीन वॉश करने और ऋणों को जलवायु संबंधी सहायता के रूप में पारित करने की अनुमति मिलती है।